राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राव जी के मंदिर में बढ़िया व्यवस्था की भगत जी लोगों ने, उनका बहुत बहुत आभार। और उसके बाद यात्रा आगे करते हैं दाऊ जी के मंदिर से। जय श्री राम। हरनौल में विश्राम के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं ये हरनौल का बाजार है, बस्ती ग्राम। ग्राम तो हम लोगों की ग्राम से तो कई गुना अच्छे गांव है, यहाँ की समृद्धशाली गांव है और राधा रानी की कृपा है तो क्यों हो भी क्यों ना। क्योंकि ये देखिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं। ये बाकी दल भी आता हुआ। बोलो राधा रानी सरकार की जय। आज दिनांक है एक नवंबर है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है आज। राधे राधे बेटा। और दिन मंगलवार, 11वें दिन की परिक्रमा हमारी शुरू हो गई है। 11वीं दिन है ना। और हरनौल से हम लोग निकल चुके हैं जैसा आपको बता चुका हूँ मैं। अब आगे कौन सा ग्राम पड़ता है और कहाँ क्या व्यवस्था होती है। व्यवस्था तो हर जगह है, लोग घरों में व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। तो आपको मैं अपडेट करता चलूंगा। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरनौल गांव के बाहर ये आश्रम है और श्री कन्हैया लाल भारद्वाज द्वारा अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय हीरा लाल भारद्वाज की याद में ये आश्रम बनवाया गया है। हरनौल गांव के बाहर 1-2 किलोमीटर अगर कोई रुकना चाहे तो यहाँ भी विश्राम कर सकता है। महाराज जी राधे राधे। इतनी इस अवस्था में स्वामी जी सबके लिए काढ़ा प्रसाद बना रहे हैं, बिस्किट खिलाई है बच्चों को। और ये बहुत सीखने की बात है हम सबके लिए। लेकिन स्वामी जी सबके लिए सनातन में सीखने की जरूरत है। इस कर्म धर्म को नहीं निभाऊंगा मैं, कोई साधु नहीं। चार बातें हैं, अभिमान, स्वाभिमान, घमंड, ईर्ष्या, किसी से द्वेष रखना, प्रेम नहीं रखना। अगर मेरे अंदर में बिल्कुल एक दिन का भी साधु नहीं, मेरा शरीर वैसा था पहले वैसा ही है, समझ रहे हो? बिल्कुल। चार मैंने नहीं बदले तो मैं कोई साधु आदमी कुछ नहीं हूँ। लालच लालच भी होता है, लालच नहीं होता। लालच होता मेरे पंजाब तक, तुम्हारे राजस्थान तक बहुत ऐसे से हैं। मैंने किसी हाथ नहीं फेरा, बच्चों से भी नहीं कहा, नहीं इसको चौमजला बना लेता, कमरे कमरे बनाता इसको और बैठा मसाजिश बना बैठा। मुझे कोई इच्छा नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी, जैसा चला जाऊँगा कुछ। जमीन का पैसा बच्चे ले जाते हैं, अपना वो कमा खा रहे हैं, उनसे ऐसे मैंने 6 सालों में ऐसे नहीं किया। लाला लाली सब कुछ करेगी जी जी। नए उम्र के लोग नहीं कर पाते इस प्रकार की सेवा और अपरिचित लोगों की, अतिथि लोगों की खास करके। लेकिन स्वामी जी कर रहे हैं और इस उम्र में कर रहे हैं, ये बहुत सीखने की सराहनीय बात है। तो यहाँ से हम सभी को ये चीज़ कहीं ना कहीं अपने ऊपर धारण करना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे। हरनौल ग्राम में दाऊ जी के मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद अब हम नसीटी गांव से निकल रहे हैं। नसीटी गांव में बाबा जी का आशीर्वाद लिया। बाबा जी ने इतनी 70 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। तो बाबा जी ने इतनी उम्र के बावजूद भी इतना सेवा भाव है और यहाँ ब्रजवासियों की, ब्रज परिक्रमा करने वाले यात्रियों की सेवा के हितार्थ ही वो यहाँ आश्रम बना कर रह रहे हैं।
ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन पाकर आज हम धन्य हुए। उमरारा ग्राम हमने अभी साइड में दाहिने हाथ पे छोड़ दिया है और जय हो बजरंगबली स्वामी। और ये आश्रम है राधे राधे छोटे राधे श्री राधे। यहाँ पे यात्रीगण यदि चाहें तो विश्राम कर सकते हैं। हम लोग तो अभी थोड़ी देर पहले ही चले हैं और अभी ऊर्जा से भरपूर हैं साथी, तो अभी रुकने की कोई बात नहीं है। ये आश्रम है वहाँ से यहाँ तक। नंगला बैसला ग्राम पहुँच गए हम। राधे श्याम भैया। ग्राम से निकलते हुए हम लोग नंगला बैसला बेसला का पंचवटी आश्रम है और वृंदा गांव भी निकल आए थे हम। उसके बाद ये पीली मढ़ी आके यहाँ पे आज दोपहर विश्राम होने वाला है हम लोगों का। पीली मढ़ी में जो आगे मैया जा रही हैं लकड़ी के साथ, उनकी विशेष इच्छा है कि जहाँ उनके यहाँ रुके। ठाकुर जी का स्थान है और यहाँ पे जो इनके मैया का विशेष मंत्र है दाल रोटी आलू सब्जी। अरे पीली मढ़ी से आ गए हैं अरबा बगीची। पीली मढ़ी में हमने रात की विश्राम किया था। ये लिखा है परिक्रमा मार्ग ब्रज 84 कोस अरबा बगीची। ये आश्रम है अरबा बगीची में। दर्शन करके हम लोग आगे निकलेंगे। जय हो स्वामी जय हो जय हो जय हो। ये धोनी यहाँ पे बाबा जी की। राधे श्याम राधे श्याम। हाँ बहुत सुंदर पेड़ है बरगद का यहाँ पे। वो आश्रम है कसेरा के पहले ना चौराहे पे। कसेरा ग्राम पहुंच गए हैं। हम लोग कसेरा ग्राम से आगे जाएंगे सरदारगढ़ के लिए। सरदारगढ़ से नरवे और जहां भी अच्छी व्यवस्था सूर्यास्त तक मिल जाएगी वहीं पे बच्चों के हिसाब से वहीं पे रुक जाएंगे। यहां ये चौराहा मिला है आगे बढ़ते हुए अलीगढ़ राया और मथुरा जी के लिए रास्ता गई है। आगे से मुकट है और अभी हम लोग सीधे चलते हैं। नहर चौक से अब हम निकल चुके हैं सरदारगढ़ की तरफ। सरदारगढ़ से बाद नरवे देखते हैं कि कहाँ रूह ठहराते हैं रात्रि। नागला इसवारा के आश्रम पहुंच चुके हैं हम। अब यहाँ पे सारस्वत सिद्ध पीठ राया मॉट रोड सुखनगढ़। अब यहाँ पे देखते हैं कि जय हो। यहाँ की दर्शन करके रागे का विचार बनाते हैं। जय हो बालाजी सरकार जय हो राधा रानी ठाकुर जी महाराज जय हो मैया। राया नगर पहुंच चुके हैं हम। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और यहीं पे हनुमान मढ़ी में हमारा रात्रि का विश्राम होना है और आज के लगभग 25-26 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। वहाँ के दर्शन वगैरह हम आपको आगे दिखाते हैं अभी चल के। बल्लू बिट्टू
जय शिव शंकर। हनुमान गढ़ी के दर्शन, हनुमान मढ़ी।